व्यापार विषय में आपका स्वागत है। आपका समय महत्वपूर्ण है। हम कोई भी फैंसी परिचय देकर आपका समय बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। अगर यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर शेयर करें और आने वाले समय में कौन से सब्जेक्ट पर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो जरूर हमें शेयर करें ताकि हम उस पर काम कर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमलेश आज आपके लिए एक फॉर्मुलेशन लेकर आया हूँ, जिसमें हमारी फॉर्मुलेशन सीरीज में मैं आपको डिश वॉश लिक्विड बनाने के लिए फार्मूले बताऊंगा, जिसमें आज का पहला फार्मूला है जो हम 28% SLS का इस्तेमाल करके बनाने वाले हैं। SLS 28% लिक्विड का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फार्मूला डिश वॉश लिक्विड बनाने का फार्मूला विथ SLS 28%। डिश वॉश लिक्विड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल्स कितने परसेंट में कौन सा केमिकल है उसका डिटेल्स, और लिक्विड डिश वॉश बनाने के समय क्या सावधानी लेनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो जैसे कि हम इसमें देखेंगे तो हमारा ये पीपीई किट का हम प्राइमरी कभी भी फोकस करते हैं या फिर उसी के ऊपर आपको फोकस करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस फॉलो करने चाहिए। देखिए, सेफ्टी गॉगल पहने, इमेज देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा, सेफ्टी गॉगल हमेशा पहने। सेकंड, आप एप्रॉन हमेशा पहनना चाहिए, आपने रिकॉर्ड बुक हमेशा रखनी चाहिए कि कौन सा केमिकल कितना ग्राम लिया था और कितना हम बैच में बना रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स लिखना चाहिए। इंडस्ट्रियल हैंड ग्लोव्स इस्तेमाल करना चाहिए, सेफ्टी शूज़ हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। जो आपके पास में इंडस्ट्रियल मास्क, इन तीनों मास्क में से जो भी मास्क आपके पास अवेलेबल हो वो मास्क पहने, इतना सब रेडी होने के बाद ही आप काम स्टार्ट करें, ये इंडस्ट्रियल बेस्ट प्रैक्टिसेस है। तो चलिए हम आज का मैं आपको दिखा देता हूँ कि उस फॉर्मुलेशन में हमें कौन कौन सा केमिकल लेने वाला हूँ और उसको स्टेप बाय स्टेप कितना परसेंट में लेना है और कितना कौन सा केमिकल का कितनी मात्रा लेनी है वो भी बताऊंगा, और सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन सा केमिकल क्यों लिया है। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं, स्लाइड में देखिए, तो सबसे पहले बता रहा हूँ आर ओ वाटर हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए, हमेशा याद रखिए आर ओ वाटर इस्तेमाल करें। सेकंड नंबर पर आता है एसिड स्लरी, ये हमने यहाँ पर 90% का इस्तेमाल किया है। थर्ड नंबर पर है यहाँ पर कॉस्टिक सोडा को आप फ्लेक्स को लिक्विड बना कर लीजिए, उसका भी कैलकुलेशन बताता हूँ कैसा बनाना है वो। नेक्स्ट SLES 28% लिक्विड लेना है हमें, जो मेक आपके पास अवेलेबल हो आपके एरिया के हिसाब से वो इस्तेमाल करें। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं एक बता रहा हूँ, एक कोको डाइथनारामाइड, इसको हम शॉर्ट में CDEA कहते हैं। और उसके बाद जो है सोडियम बेंजोएट, यहाँ पर एक सोडियम बेंजोएट का मैं इमेज बता रहा हूँ, यहाँ जो बता रहा हूँ सोडियम क्लोराइड, ये अनआयोडाइड सॉल्ट है, हमेशा याद रखें अनआयोडाइड सॉल्ट, हम उसे रॉ सॉल्ट कहते हैं। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ परफ्यूम, ये आपको लाइम या लेमन परफ्यूम में जो भी कंपनी का आपको मिले आपके एरिया के हिसाब से। सेकंड थिंग, हमेशा याद रखें कि आप उसे डिश वॉश में इस्तेमाल करने वाले हैं, ये मैन्युफैक्चरर से पहले कंफर्म कर लें ये सुटेबल है या नहीं, उसके पश्चात ही परचेस करें। और सबसे लास्ट में दिखा रहा हूँ लेमन येलो कलर, जो आपके प्रोडक्ट को एक नाइस लुक जो देता है वो आपका कलर है। तो चलिए हम मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ कि कौन सा केमिकल कितना मात्रा में लेना है। यहाँ देखिए मैं सबसे पहले सब कैलकुलेशन जो बता रहा हूँ ये याद रखिए, ऊपर सबसे पहले लिखा है दिस कैलकुलेशन इज गिवन फॉर 1 kg ऑफ बैच प्रिपरेशन, यानी जो मैं इस टेबल में बता रहा हूँ वो सारे केमिकल्स आपको 1 kg की बैच बनाने के लिए लगने वाले हैं। आप जब कमर्शियली बैच बनाएंगे तो उसके समान ही आप कैलकुलेशन करें और आपका कैलकुलेशन करके आप बैच बनाएं, ताकि आपका जो भी रिकॉर्ड में बने वो एकदम जितना केमिकल लेंगे उतना ही किलो का बैच बनेगा। तो सबसे पहले RO वाटर जो लेना है वो 700 ग्राम लेना है, ये मैं सब एक ही यूनिट में बता रहा हूँ केजी के हिसाब से, यानी किलोग्राम के हिसाब से 700 ग्राम वाटर ले लिया मेजर करके। उसके बाद एसिड स्लरी ले लिया दूसरे बीकर में, 105 ग्राम ले लिया।
सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड आप फ्लेक्स लेंगे या पैलेट्स आपके पास जो अवेलेबल होगा कमर्शियली, तो फ्लेक्स ही आपको कमर्शियली आपको अफोर्ड होगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के लिए, उसमें हम 18 टू 20 ग्राम वेरी कर सकते हैं आप, डिपेंड अपॉन द क्वालिटी है ये। सेकंड फोर्थ नंबर पे जो आता है सोडियम लाउरिल ईथर सल्फेट, जो कंपनी का आपके पास अवेलेबल होगा वो इस्तेमाल करें, हम यहाँ पर किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। फोर्थ में 150 ग्राम आप एसिलेस लेना है, कोको डाइथेनालामाइड यह 20 ग्राम लेना है, जो भी कोको डायमाइड इथेनालामाइड आपको मिलेगा उस कंपनी का इस्तेमाल करें। इतना याद रखें कि जो मैं डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ उसी तरह से स्टैंडर्ड क्वालिटी का मटेरियल परचेस करें। उसके बाद सोडियम बेंजोएट ये भी 0.5 ग्राम लेना है, सोडियम क्लोराइड 6 ग्राम लेना है, परफ्यूम 1.5 टू 1 ग्राम, इससे अधिक न डालें, नहीं तो उसका भी जो प्रॉब्लम होता है मैं भी आप उसके बारे में भी आपको बताता हूँ क्या होता है अगर परफ्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो। नाइन्थ जो केमिकल है वो लेमन येलो कलर है, ये 0.1 ग्राम या एज पर आपके विजुअल इंस्पेक्शन करके आपको कलर डिसाइड करना है कितना ग्राम डालना है। तो चलिए हमको कौन सा केमिकल का कौन सा सीक्वेंस है वो बता रहा हूँ, उसी सीक्वेंस में ऐड कीजिए, यही इंडस्ट्रियल बेस्ट प्रैक्टिसेस है। तो चलिए हमारा जो पहला पॉइंट है इसमें देखिए हमको क्या करना है, एसिड स्लरी जो है एसिड स्लरी को मेजर करके लेना है, उसे 400 ग्राम वाटर में डिजोल्व करना है। देखिए जितना मैंने स्लरी बोला था उसके चार गुना मैंने वाटर लिया, उसका वजह है कि वो उतने में अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा और ठंडा होने के लिए छोड़ दे। ठंडा होने के बाद में मीनवाइल टाइम में दूसरे बीकर में कॉस्टिक सोडा का फ्लेक्स ले, उसे एक 50 ml पानी में डिजोल्व करने के लिए तब डिजोल्व कर ठंडा होने के लिए छोड़ दे। जब दोनों ठंडा अच्छे से मिक्स हो जाएंगे ठंडे हो जाएंगे उसके पश्चात इस्तेमाल करें, वरना आपको जो प्रॉब्लम आता है मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ कि एसिड स्लरी का पीएच कैसे एडजस्ट करना है, वो डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ देख लीजिएगा क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। यहाँ इतना याद रखें कि दोनों सेम टेम्परेचर होना चाहिए, कूलिंग टेम्परेचर होने के बाद में उसका पीएच एडजस्ट करना है। यहाँ पर हम पेपर इंडिकेटर पीएच मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ये आपको छोटे लेवल पे काम करेंगे तो काम आएगा, अगर आप कमर्शियल लेवल पे काम करेंगे आप डिजिटल पीएच मीटर या फिर आपको ऑनलाइन पीएच मीटर परचेस करेंगे तो काम इजी बनेगा। पेपर इंडिकेटर मेथड में आपको पीएच उसका बार बार चेक करना है, पोर्शन वाइज कॉस्टिक सोडा का या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डालें, एक साथ डालेंगे तो इमीडिएटली पीएच आपका अल्कलाइन की तरफ चला जाएगा, तो आपको मेंटेन करने के लिए आपको फिर से उसका स्लरी से या फिर दूसरा केमिकल से एडजस्ट करना पड़ेगा, उससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा। हमेशा याद रखिए पोर्शन वाइज स्लोली करें। नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पर SLES 28% लिक्विड वेट करके रखा जो हमें रखा था वो लेना है, उसको पार्ट वन जो पहला बनाया एसिड स्लरी का न्यूट्रलाइज करके पीएच रखा है उस सॉल्यूशन में जब वो ठंडा हो जाएगा उसमें SLES 28% डालना है। यह कॉन्स्टेंट स्टरिंग के साथ में जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद ही नेक्स्ट सॉल्यूशन केमिकल डालें, तब तक गड़बड़ ना करें, वरना फिर ये स्लरी के साथ में मिक्स होने से पहले ही दूसरा केमिकल डाल देंगे तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा स्लरी। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हमें उसमें कोको डाइथेनालामाइड यह डालना है, यह भी डालने के पश्चात आप अच्छे से स्टरिंग करें, 15 to 10 minutes उसको स्टर करें। उसके बाद में सोडियम बेंजोइट इसमें डालना है, सोडियम बेंजोइट डालने के लिए आपको बता दूं सोडियम बेंजोइट जितना वेट करेंगे उससे उसमें आपको 20 से 30 ml तक वाटर डाल के उसको डायलूट करना है। उसके बाद डायलूट हुआ वाटर मिक्स हुआ डिजोल्व हुआ लिक्विड इसमें डालकर उसे स्टर कर दें, 10 मिनट तक घुमाएं। उसके पश्चात आप उसमें सोडियम क्लोराइड का जो रेडी आप लिक्विड बनाने वाले हैं जो सोडियम क्लोराइड वेट करके रखेंगे उसमें आप 50 ग्राम तक वाटर डालें, 50 ग्राम जो वाटर लेंगे उसको जो अच्छे से फिल्टर कर ही उसे इस्तेमाल करें, तो जो उसका जो गंदगी होता है रॉ सॉल्ट में का वो आपके फिनिश प्रोडक्ट में नहीं आएगा। याद रखें जो भी ये मैं पानी बता रहा हूँ सोडियम बेंजोएट डिजोल्व करने के लिए हो या फिर आपका सोडियम क्लोराइड के लिए हो या फिर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए हो, ये सब वाटर जो हमारा वाटर है टोटल वाटर का बैच का जो कैलकुलेट करके रखा है 700 ग्राम में से ही लेना है, एडिशनल नहीं लेना है। एडिशनल लेंगे तो आपका कैलकुलेशन गलत होगा, बैच ज़्यादा बनेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये याद रखें हमेशा। वाटर आपको उसी वाटर में से लेना है जो मेजर करके रखा है,
नेक्स्ट ये जो सोडियम क्लोराइड से पोर्शन वाइज आप डालेंगे इससे विस्कोसिटी डेवलप होगा। विस्कोसिटी के लिए याद रखें आपका 6 से 8 ग्राम से ऊपर आपका कॉस्टिक नहीं है, सोडियम क्लोराइड ना डालें वरना आपका विस्कोसिटी थ्रेशोल्ड रीच हो जाएगा तो वाटर की तरह फिर से डिश वॉश आपका पानी बन जाएगा। उसके बाद आपको उसमें जब अच्छे से पीएच एडजस्ट हो ये विस्कोसिटी बिल्डअप हो जाएगा उसके बाद आपको उसमें 0.5 to 1 ml परफ्यूम डालना है। परफ्यूम की मात्रा कभी भी कम रखनी चाहिए, परफ्यूम अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हम बर्तन धोने के बाद में भी उसमें स्मेल आएगा, इसीलिए हमेशा स्टैंडर्ड कंपनी का परफ्यूम इस्तेमाल करें और 0.5 to 1 ml ही इनफ है क्योंकि माइल्ड स्मेल आना चाहिए ना कि स्ट्रॉन्ग। ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स ये मिस्टेक करते हैं इसीलिए उनका प्रोडक्ट में प्रॉब्लम्स आते हैं, विस्कोसिटी लॉस्ट हो जाता है अगर ज़्यादा परफ्यूम आप डाल देंगे तो। उसके बाद देखिए ये जब परफ्यूम अच्छे से मिक्स हो जाएगा लास्ट में फाइनली कलर जो है बचा हुआ जो वाटर है उसी बैच में का उसमें ही कलर डिजॉल्व करके फाइनली डाल दें। अच्छे से उसको आधे घंटे से एक घंटे तक मिक्स करें, जब अच्छे से पूरे केमिकल्स यूनिफॉर्म हो जाएंगे एक जेल टाइप लिक्विड बन जाएगा उसके पश्चात ही उसको स्टेबलाइज होने के लिए 6 से 8 घंटे तक छोड़ दें। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब भी आपका फिनिश प्रोडक्ट फिल करने का टाइम होगा उससे पहले 20 मिनट घुमा लें और उसके बाद फिलिंग करें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में बताए गए सभी स्टेप्स आप अच्छे से फॉलो करेंगे और आप इससे एक स्टैंडर्ड क्वालिटी डिश वॉश बनाकर मार्केट में बेचने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।